गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वी आर डिस्कस अबाउट द डायलैक्टिक्स एंड पोलर रिजिडिटी. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कंडक्टिंग स्लैब यूनिट फर्स्ट पार्ट डी के लास्ट टॉपिक पे हम चल रहे हैं लगभग. आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब लगा रखी है. तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर विद इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये लर्न किया था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब लगाएंगे तो वो एक कंडक्टर की तरह काम करेगी. तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है. तो लेट अस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड इन वैक्यूम हुज डिस्टेंस इज डी. दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, या हम कह सकते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स या कंडक्टिंग स्लैब्स हमने कंसिडर कर लिया. लेट अस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. प्लस क्यू चार्ज इज गिवन ऑन प्लेट वन साइड. हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेट एक साइड प्लेट को क्यू चार्ज दिया. अनदर साइड इंडक्शन इफेक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. अब हमने कंडक्टिंग स्लैब ली और कंडक्टिंग स्लैब को पैरेलल प्लेट के बीच के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इसके अंदर रखा. इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इंडक्शन इफेक्ट की वजह से, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अनदर साइड क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज. अब इस कंडक्टिंग स्लैब की डी दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है और टी है इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है. यहाँ पे T इज लेस देन D है, इसका मतलब D बड़ा है ये डिस्टेंस और T थिकनेस छोटी है. अब हमने ये पढ़ा था इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो कितनी होती है E नोट, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है इनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, वो होती है EP. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईपी ई नोट माइनस ईपी वो होगी जीरो के बराबर, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होती है वो, तो वो क्या हो जाएगी जीरो. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है. ठीक है, अब ये सारी चीज सपोज करने के बाद हमने ये भी मान लिया इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है जीरो है. अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन दी प्लेट्स. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो हम निकालना क्या चाहते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम उसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब अंदर डाल के. ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने पहले पढ़ ली. कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इज गिवन बाई सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी. ये वैल्यू हमारी पीछे आई थी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई थी मैंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच के अंदर, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी आई थी. ठीक है, इस इक्वेशन का यूज हमें आगे करना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी बिटवीन द प्लेट्स, वो होगी वी. हमने एक लेसन पढ़ी थी वो क्या थी, वी इजिकल टू डी वी अपॉन में डी आर. वी इजिकल टू वी अपॉन में डी डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के अंदर हमने रिलेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी E इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी आर. यहाँ पे सॉरी E इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी आर.
तो इसको हम लिख सकते हैं ई इजिकल टू वी अपॉन में डी। ठीक, तो वी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो वी बराबर क्या हो जाए, ई इंटू में डी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन पड़ी थी उसी का हमें यूज करना है, वी इजिकल टू ई इंटू में डी फॉर्मूला लगाना है। मतलब पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला आ गया बिटवीन दी प्लेट्स। तो पोटेंशियल बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब तो हमने जीरो बता दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, या तो बिटवीन द प्लेट्स होगी यहाँ पे, या इनके जो सरफेस हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। मतलब अंदर तो क्या होगी जीरो, तो यहाँ पे ये स्पेस जो बच गया, ये वाला जो स्पेस है इसके अंदर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो कितनी होगी, वो मान ली हमने ई नोट। ठीक है, ई नोट। और डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, डी डिस्टेंस। तो बिटवीन दी प्लेट्स यहाँ पे जो स्पेस बच रहा है यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, ये टी हो गया, तो ये कितना बच गया, डी माइनस टी बच गया। क्या बच गया, डी माइनस टी बच गया। ये पूरा डी, ये इसकी थिकनेस, इसमें से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो यहाँ पे लेंगे डी माइनस टी। ठीक, अब पीछे के रिजल्ट यूज करने और कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर हमने पढ़ रखी है ई नोट बराबर सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू हमने पढ़ रखी है ई नोट बराबर या ई बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इसलिए ई नोट की वैल्यू, ई की जगह हम ई नोट रख देते हैं। ठीक, तो सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट ई नोट की जगह यूज करेंगे और डी माइनस में टी यूज करेंगे। ठीक, अब सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात मैंने बताई थी, अगर सरफेस पे चार्ज परसेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, गॉस थ्योरम के अंदर हमने अप्लाई किया था। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस में टी। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड देते हैं। ठीक, अब कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है सी इजिकल टू क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन में वी। तो यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या आएगा, तो वी बराबर सी बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन में क्यू डी माइनस में टी। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मींस यहां पे q की वैल्यू, ये v की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर से इक्वेशन थर्ड के अंदर रख दी v की वैल्यू यहां से, और v की वैल्यू यहां से हमने रख दी तो c की वैल्यू ये आ गई। अब q से q कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया a एप्सिलॉन नॉट d माइनस में t बच गया। क्या बच गया, a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बच गया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बच गया, तो उससे आगे क्या आएगा, उससे आगे आएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ए एप्सिलॉन नॉट, मैंने डी यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन बच गया, माइनस यहाँ डी नहीं है तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो डी बाहर आ जाएगा, तो नीचे बच जाएगा टी अपॉन में डी की वैल्यू बच जाएगी सी। अब इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह हम लिखेंगे सी नॉट अपॉन वन माइनस टी अपॉन में डी। ये अपना कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, जब उनके अंदर हम कोई भी एक कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तो ये फॉर्मूला रिजल्ट हमारा आता है। तो इसके स्पेशल केस भी अगर पढ़ें, अगर टी की वैल्यू डी के बराबर हो जाए, देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और ये कंडक्टिंग स्लैब नियर अबाउट, ये टी डिस्टेंस और डी डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो सी बराबर सी नोट वन माइनस में जीरो। ठीक, तो ये जो रिजल्ट आएगा वन माइनस टी अपॉन में डी, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, टी और डी आपस के अंदर क्या हो जाए, बराबर। तो
टी और डी बराबर होंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 के बराबर होगा, 1 माइनस 1 जीरो के बराबर, तो सी नॉट अपॉन में 0 हो जाएगा, ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पैरलर प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं, उनकी दोनों की थिकनेस या डिस्टेंस बराबर है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, देखो पैरलर प्लेट कैपेसिटर्स इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पैरलर प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब इनसाइड दी कंडक्टर हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, लेकिन अब की बार हमने कंडक्टर की बजाय डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, और डाइलेक्ट्रिक हमने दो प्रकार के बताए थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के केस के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो फिर से सेम फॉर्मूला, वही पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स प्लस क्यू चार्ज इज गिवन ऑन दिस प्लेट एंड अनदर माइनस चार्ज इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट। अब यहां से हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब अब की बार क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी बिटवीन द प्लेट्स, और तो यहां पे ये जो डिस्टेंस हम मान रहे हैं डी डिस्टेंस है, ये थिकनेस हम मान रहे हैं प्लेट की टी थिकनेस है। ठीक है, अब इनसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, तो यहाँ क्या आया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ई नॉट माइनस में ई पी। ये हमने बार बार बता रखा है आपको, अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से ई पी इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, अब यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पिछले टॉपिक की तरह, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, ये सारी चीज सपोज करने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो V इज इक्वल टू वो E इंटू में D का फॉर्मूला लगेगा E नोट, और यहाँ पे बीच के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और डिस्टेंस कितना रहेगा D माइनस में T। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे बीच के अंदर कितनी ली हमने E नोट, उसमें भी क्या ली थी E नोट, और डिस्टेंस कितना लिया था D माइनस में T, ये टोटल D और ये थिकनेस T, तो ये कितना बच गया D माइनस में T बच गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे भी होगी इनसाइड, तो वो कितनी है ई e. ठीक है, कितनी है ई e. और उसकी थिकनेस कितनी है टी, ई इंटू में डी का फॉर्मूला फिर से लगेगा, यहाँ पे टी थिकनेस डिस्टेंस ही है ई इंटू में टी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने कल आपको डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ाया था, वो वैल्यू हमारी क्या थी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के केस के अंदर, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी E बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने बताई थी। तो यहां से E की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या E नोट अपॉन में K, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है V बराबर E नोट D माइनस T प्लस E इंटू में T, उसमें हम ये वैल्यू यूज करेंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी E बराबर E नोट D माइनस में T प्लस E इंटू में T है, तो E की जगह मैं रखूँगा E नोट अपॉन में K, E नोट अपॉन में K।
और इन टू में टी अपने साथ है। अब देखो ई नोट को मना रहा है, तो ये ई नोट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, तो डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के, ये वैल्यू हमारी बच गई। ठीक, अब ई नोट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बता रखी है, वो क्या होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी अब फिलहाल टी अपॉन में के। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू बता रखी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नोट और डी माइनस में टी प्लस में टी अपॉन में के, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से क्या लेना है, कॉमन लेना है वैल्यू, तो कॉमन हम कैसे लेंगे, अगर इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन मान लूं, तो C बराबर क्यू अपॉन में वी, कैपेसिटेंस के केस में फॉर्मूला पढ़ा है, और ये पोटेंशियल की वैल्यू है, और ये थर्ड इक्वेशन में पोटेंशियल की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो C बराबर क्या आएगा क्यू अपॉन में वी की जगह रखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू ऊपर वाली वो नीचे आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, क्यू नीचे आएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी डी माइनस में टी प्लस टी अपॉन में के। अब क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे बच गया क्या डी माइनस में टी प्लस टी अपॉन में के, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। ठीक, अब ये वैल्यू बचने के बाद अब यहां से मैं डी कॉमन ले लूं, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, डी कॉमन ले लिया तो यहां बच गया टी वन माइनस टी अपॉन में डी प्लस में टी इंटू में के इंटू में डी। कॉमन का मतलब कैसे लेना है आपको, कॉमन कॉमन ऐसे लेना है कि जो डी की जो वैल्यू है वो जो कॉमन लेते हैं, जिसके पास डी नहीं है वो नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक, या ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो डी बाहर आ जाएगा, नीचे वाला डी नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर, सी नॉट जो इक्वेशन हमने पहले यूज की थी वही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच के अंदर डायलैक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, अब इसके स्पेशल केस की बात करें हम, तो टी बराबर मैं डी ले लूं, अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो पैरेलल प्लेट के बराबर हो जाए, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, तो वो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वो वैल्यू आएगी सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट। अब सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, वो मतलब ये है कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इस रिजल्ट का मतलब ये है। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा, नहीं भी आए तो मेरे से पर्सनली डिस्कस करना है। थैंक यू।